अस्सलाम वालेकुम, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइसी चिकन स्पैगेटी लेकर आई हूँ। आइए अब हम अपनी चिकन स्पैगेटी बनाना स्टार्ट करते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 3 बड़े स्पून ऑयल के ले लेंगे एक पैन में। पहले हम इसका मैटर रेडी कर लेंगे। 1, 2 and 3 हमने ये 3 स्पून डाल दिए हैं। इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे ऑयल को। हम इसके साथ ही इसमें डाल देंगे गार्लिक पेस्ट। मैंने ये जिंजर गार्लिक पेस्ट दोनों मिक्स है, मैं 1 स्पून डाल रही हूँ। ये देख सकते हैं 1 स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसको फ्राई होने देंगे। अभी हमारा फ्राई होने लग गया है, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है। इसी के साथ हम इसमें 2 अनियन ये मेरे पास कटे हुए हैं और 2 टोमेटोज़ हैं, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसमें को ब्राउन नहीं करना है, हमने टमाटर और प्याज साथ ही डालने हैं, क्योंकि अगर हम ब्राउन कर लेंगे तो फिर हमारी जो स्पैगेटी होगी उसमें साफ नज़र आएंगे प्याज हमारे। टमाटर को गला लेंगे। अब हम इसमें चिकन भी ऐड करने लगे हैं। अब इसमें हम ये चिकन ऐड कर देंगे। ये देख सकते हैं मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिए। टमाटर भी गलना शुरू हो गए हैं। हमारी ये चिकन गल रही है, इसके साथ ही अब हम पानी रख देंगे स्पैगेटी के लिए। मैंने 3 to 4 लीटर पानी लिया है, आपकी अपनी मर्ज़ी आप जितना पानी लें। अब इसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। 5 मिनट हम इसको बॉईल कर लेंगे, फिर हम उसमें स्पैगेटी और बाकी चीज़ें डालेंगे चिकन के अंदर। अब हम इसको 5 मिनट के लिए, चिकन और ये हमारे प्याज और जो टमाटर थे वो बिल्कुल गल चुके हैं, 5 मिनट के लिए हम चिकन को रख देंगे ताकि वो भी गल जाए सही तरीके से। अब हम स्पैगेटी का मिक्सचर तैयार करने के लिए हम 1 टेबलस्पून हम नमक ले रहे हैं और 1 टेबलस्पून ही हम रेड चिली पाउडर ले रहे हैं। और आप अपनी मर्ज़ी से वेजिटेबल ले सकते हैं जितने आपको पसंद हैं। ये कैरेट लिया है मैंने वेजिटेबल्स में और ये सोया सॉस और विनेगर है। 2 स्पून सोया सॉस और 2 ही स्पून विनेगर है। ये मैंने साथ में गोभी ले ली है और ये साथ में मेरे पास जो है शिमला मिर्च है, ठीक है। ये मैंने बेक पॉलर की स्पैगेटी ली है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा पानी भी बॉयल हो गया। अब मैं इसमें 1 स्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। ये हम पानी जब गिराएंगे तो उसमें इसी के साथ हम इसमें ऑयल भी डालेंगे ताकि हमारी जो स्पैगेटी है वो जो है नहीं, दूसरे वेजिटेबल्स डाल देंगे। शिमला मिर्च और गोभी जो है वो हम साथ ही डाल रहे हैं। अब देन हम इसको अब हम इसमें और चीज़ें ऐड कर लेंगे अपनी। 1 स्पून नमक अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये 2 स्पून विनेगर। इसके साथ सोया सॉस 2 स्पून था ये भी। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे।
दूसरी तरफ हमारा ये पानी बॉयल हो चुका है, हमने इसमें ऑयल और नमक ऐड किया था, अब हम इसमें स्पैगेटी डाल रहे हैं। स्पैगेटी में डाल रही हूँ को तोड़े, इसके अलावा ये मैंने फ्रेंच फ्राइज काटे हैं, अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी और ये भी मैं स्पैगेटी के ऊपर डालूँगी। अच्छा, ये हमारी स्पैगेटी पूरी गल चुकी है, देख सकते हैं आप लोग, और ये चिपकी हुई भी नहीं है बिल्कुल, ये देख लें ये हो रहा है। और ये हमने इसका मटेरियल भी रेडी कर लिया, ये अब हम स्पैगेटी का जो पानी था वो सारा ड्रेन कर रहे हैं। ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है, अब ये मैं इसमें केचप ऐड कर रही हूँ। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ये भी मेरा होममेड ही है केचप, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। ये चिली गार्लिक केचप है, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे सही से। अब ये रेडी टू सर्व होने वाला है।